चलो जी तो ये हमारा कल का क्वेश्चन और इसका जो आंसर है वो I believe by आएगा। और जिसने भी मेरे को भेजा उसका आंसर यही आए, by so एक बार इसको करते हैं देखते हैं हमारे पास कौन से दो केसेस बन रहे हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट से दिस इज प्लस प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एंड दिस इज प्लेट ऑफ द कैपेसिटर हमने इसमें दो डायलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट किया

और थ्री वाला जो कैपेसिटर है हम ऐसे मान सकते हैं कि ये दो अलग-अलग कैपेसिटर बन गए दिस इज C1 एंड दिस इज C2 और ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं ये सीरीज में लगे हुए हैं राइट तो C1 कैपेसिटेंस इज गोइंग टू बी व्हाट ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हमको पता है इज d ये प्लेट का एरिया इज a तो C1 जो कैपेसिटेंस है वो क्या आएगी दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय डी बाय टू यह तब होता जब यहां पर बीच में हमारे पास होती फ्री स्पेस लेकिन अब हमारे पास डायलैक्ट्रिक है जिसका कॉन्स्टेंट है दो तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टू से सो सी वन वुड बी इक्वल टू फोर एपसाइलर नॉट ए बाय डी ओके एंड सी टू

ये हमारे पास दो अलग अलग कैपेसिटर्स यहाँ पे बन के आगे और ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं, आर तो कनेक्टेड होते हैं तो उस टाइम पे जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आता है दैट इज इक्वल टू सी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं वन बाय सी इज इक्वल टू वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू यहां से तुम लिख सकते हो वन बाय सी वन इज इक्वल टू यू कैन डू दिस कैलकुलेशन नाउ वन बाय सी वन का मतलब क्या है डी डिवाइडेड बाय फोर एपसाइल नॉट ए प्लस डी डिवाइडेड बाय सिक्स एपसाइल नॉट ए यहां से तुम लिख सकते हो वन बाय सी एस इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय एपसाइलोन नॉट ए को मैं कॉमन ले लेता हूं यहां पे ब्रैकेट में मेरे पास आएगा वन बाय फोर प्लस वन बाय सिक्स वन बाय फोर प्लस वन बाय सिक्स का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो वो ट्वेल्व आ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं थ्री बाय ट्वेल्व प्लस टू बाई ट्वेल्व इन शॉर्ट फाइव बाई ट्वेल्व तो कैपेसिटेंस सीरीज में यहां पे आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इन टू ट्वेल्व बाय फाइव अगर मैंने कैलकुलेशन में कोई गलती किया तो प्लीज लेट मी नो सो so, सीरीज में कैपेसिटेंस आ जाएगी 12/5 का शेष सही है यस सो ओके नाउ नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे हम ये जो हमने सीरीज में लगाए हैं इसको हम अभी पैरेलल में लगा देंगे जो दोनों कैपेसिटर्स सीरीज में लगे थे अब वो दोनों कैपेसिटर इस तरह से लगाएंगे पैरेलल में दिस इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 दिस इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 सो hmm? so, सबसे पहले सेम तरीके से हम सी वन सी टू को निकाल लेते हैं सो सी वन ऊपर वाले कैपेसिटेंस, ऊपर वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमारे पास कितना आ जाएगा अब यहाँ पे डी तो सेम ही है सो यू कैन से एपसाइल नॉट एरिया कम हो गया सिर्फ हाफ एरिया है ना सो यू कैन से एपसाइल नॉट ए बाई टू इंटू डी ये तब होता जब फ्री स्पेस होती लेकिन हमारे पास अभी यहां पे टू भी साथ में मल्टीप्लाई होगा सिमिलरली सेकेंड कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू एपसाइल नॉट ए बाय टू इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय थ्री और क्योंकि दोनों पैरल में लगे हैं तो दोनों एड हो जाएंगे सो so एड होने के बाद जो मेरे पास इक्वलेंट कैपेसिटेंस आएगा पैरल में दैट वुड बी इक्वल टू कॉमन क्या आ जाएगा एफसाइलोन नॉट ए बाई टू डी मल्टीप्लाइड बाय टू प्लस थ्री टोटल आ जाएगा मेरे पास फाइव बाय टू एपसाइल नॉट ए बाय डी ये आ गया कैपेसिटेंस पैरल में ओके <clears> सो <throat> okay. so, हमारे पास क्वेश्चन था जी क्वेश्चन था अपना इक्वलेंट कैपेसिटेंस सी वन अपॉन सी टू मतलब कि सीरीज में जो कैपेसिटेंस आ गया डिवाइडेड बाय जो पैरेलल में कैपेसिटेंस आ गया हमको उसकी रेशियो निकालनी थी तो दोनों केसेस में अगर तुम देखो एप्साइलो नॉट ए बाय डी और एप्साइलो नॉट ए बाय डी तो कट ही जाएगा हमारे पास जो चीज बच जाएगी दैट विल बी ट्वेल्व बाय फाइव डिवाइडेड बाय फाइव अपॉन टू तो इसको तुम अगर लिखोगे तो ट्वेल्व इंटू डिवाइडेड बाय फाइव इंटू 24 24 25. 25. था कल का होमवर्क और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास और आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक बार मैं दोबारा से डायग्राम बनाता हूं ये मेरा कैपेसिटर कुछ इस तरह का दिखता है और इसको जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल तुम किसी भी साइड रख सकते हो मान लो ये तुम्हारी वी वोल्ट की बैटरी है तो ये जो V का V वोल्ट है ये पूरा का पूरा कैपेसिटर खा जाएगा मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कैपेसिटर के अक्रॉस वो होगा V इसकी कैपेसिटेंस थी C और इस पे जो चार्ज आ जाएगा दैट चार्ज Q विल बी इक्वल टू CV, और इसकी जो एनर्जी बन जाएगी दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ सी वी इसको तुम हाफ क्यू हो करेक्ट ये बड़े सिंपल सी हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और फिर हमने सब कुछ निकाल लिया इसमें कितनी एनर्जी आएगी कितना चार्ज स्टोर होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा लेकिन यार तुम एक चीज सोच के देखो ये बहुत सारे डायग्राम्स में हम ये चीज बना तो रहे हैं कि मान लो हमने हमने ये बना दिया दिया C1 इसके साथ हमने लगा दिया, C2 मान लो यहाँ पे पैरल में लगा दिया C3 और उसके बाद इन सब के साथ हमने बैटरी कनेक्ट कर दी और फिर पूछा कौन से वाले कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी बट दिस ऑल इज पॉइंटलेस तुम देखो प्रैक्टिकल जिंदगी में तुमने सिर्फ सी सी को साथ में लगा रखा है सारे कैपेसिटर्स को तुमने साथ में लगा रखा है जो कि कुछ फायदा नहीं होगा इससे hmm. क्योंकि कैपेसिटर का मेन काम क्या था कैपेसिटर का मेन काम क्या था सडन एनर्जी सप्लाई करना अगर तुम्हारे पास कोई डिवाइस है मान लो मेरे पास ये ट्यूबलाइट है तो ये ट्यूबलाइट के साथ में यहाँ पे एक छोटा सा कैपेसिटर लगा होगा कैपेसिटर का काम क्या होगा उसको सडनली एनर्जी सप्लाई करना अगर तुम्हारे पास कोई पंखा लगा हुआ है पंखा लगने का मतलब क्या है एक रेजिस्टेंस प्लीज अंडरस्टैंड दिस पंखे का मतलब एक रेजिस्टेंस जब भी हम कोई रेजिस्टेंस बनाते हैं मतलब ये कोई ना कोई डिवाइस है ये पंखा है ये इलेक्ट्रिक बल्ब है या फिर ये ट्यूब है ये एसी गीजर कुछ भी हो सकता है ये एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को कंज्यूम करेगा रेजिस्टेंस इज गोइंग टू कंज्यूम एनर्जी जिसकी वजह से तुम्हारा बिजली का बिल आता है हु? लेकिन एक कैपेसिटर तुमको एनर्जी सप्लाई करेगा स्टोर तो वो यहीं से करेगा जो हम बैटरी कनेक्ट करेंगे बैटरी से वो एनर्जी को स्टोर करेगा ये जो हमारा यहाँ पे कैपेसिटर लगा जब हम बैटरी को ऑन कर देंगे तो ये यह यहाँ पे चार्ज कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा शुरू में जब हम बाजार से एक कैपेसिटर लेके आए मान लो हम ये कैपेसिटर मार्केट से ले आए इस समय इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट कुछ नहीं है यहां पे भी जीरो चार्ज यहां पे भी जीरो चार्ज जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो धीरे धीरे इसकी प्लेट्स पे चार्ज इकट्ठा होना स्टार्ट होगा डिपेंडिंग अपॉन अगर हमने इसको वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया और इस कैपेसिटेंस की वैल्यू है सी तो इस पे मैक्सिमम ऑफ सीवी चार्ज कलेक्ट हो जाएगा लेकिन ये सीवी चार्ज ऐसा नहीं है कि एकदम से इकट्ठा ही उस पर कलेक्ट हो गया वो धीरे धीरे ओवर टाइम इस पे चार्ज कलेक्ट होगा लेकिन जो मैं तुमको पॉइंट बताना चाह रहा था वो पॉइंट ये है कि भाई यहाँ पे हमने अलग अलग से कैपेसिटर लगा रखे हैं और इंडिविजुअल कैपेसिटर को लगाने का कुछ मतलब नहीं होता हुँ? क्योंकि तुम सोच के देखो मान लो ट्यूबलाइट तो तुम्हारे पास है नहीं तुमने खाली कैपेसिटर लगा रखा है तो खाली कैपेसिटर क्या करेगा कैपेसिटर का काम था ना कि सडन चार्ज को सप्लाई करना अब जब तुम्हारे पास कोई डिवाइस ही नहीं है तो सडन चार्ज तुम किसको प्रोवाइड करोगे और प्रोवाइड करोगे भी तो उसका होगा क्या न? तुम सोच के देखो भाई तुम्हारे पास एक स्कूटर है उस स्कूटर में खाली किक ही है इंजन नहीं है अभी स्कूटर का उसमें सिर्फ किक है स्कूटर में तो क्या ये स्कूटर किसी काम का होगा क्योंकि खाली किक का करोगे क्या तुम किक तब काम आती है ना जब तुम्हारा सेल्फ स्टार्ट काम नहीं हो जब कभी कभी एक्टिव बंद हो जाती है ठीक है तो सेल्फ जो होता है सेल्फ का क्या इश्यू है वो इट प्रोवाइड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल टू द इंजन एक शटर होता है तुमने सेल्फ मारी वो शटर खुला वहां से इंजन जाएगा तुमने दोबारा सेल्फ मारी शटर खुला एकदम से इंजन जाएगा फ्यूल अंदर जाएगा ठीक है इंजन का शटर खुला फ्यूल अंदर गया कई बार क्या होता है वहां पे कचरा फंस जाता है जब लोग बोलते हैं कि स्पार्क प्लग में कचरा फंस गया अब जब कचरा फंस जाता है तो एकदम से फ्यूल अंदर जा नहीं पाएगा तो तुम्हारी एक्टिवा स्टार्ट होनी बंद हो जाएगी फिर हम सर्विस करने डीजल में हमको कुछ नहीं समझ में आता क्या हो गया लेकिन एकदम से उसके बाद बढ़िया पूरी स्मूथ सेल्फ लगती है किया क्या उसने वो जो बीच में कचरा फंसा हुआ था वो उसने हटा दिया अब हमारा जब शटर खुलता है पूरा का पूरा फ्यूल अंदर जाता है एक तो ये तरीका कि भाई तुम सर्विसिंग करा लो दूसरा क्या तरीके मैकेनिकल तरीका जनरेटर अगर तुम्हारा बटन से स्टार्ट नहीं हो रहा तो पहले के जनरेटर होते थे धक्के से मतलब मकैनिकली तुम एनर्जी प्रोड्यूस करके फ्यूल सप्लाई करो जिससे वो एक बार इनिशियली इग्नाइट हो जाए ऐसा नहीं कि अगर दो घंटे तुम्हारी लाइट नहीं आई तुमको जनरेटर घुमाती रहना पड़ रहा है जस्ट टू इनिशिएट इनिशिएट करने के लिए हमको मैकेनिकल इनपुट देना पड़ता है सिमिलरली स्कूटर में भी यही चीज है जब वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है हम मैकेनिकल इनपुट देते हैं हम किक मारते हैं जिसकी वजह से इनिशिएट हो जाता है पूरा प्रोसेस लेकिन अगर किसी स्कूटर में इंजन तो है नहीं खाली किक ही है तो ऐसा स्कूटर किसी काम का नहीं होगा सिमिलरली अगर हमारे पास एक सर्किट है जिसमें खाली एक कैपेसिटेंस है और रेजिस्टेंस इसमें लगा ही नहीं हुआ तो इस तरह के सर्किट का कोई भी हमारे पास फायदा नहीं होगा ठीक है तो जब भी प्रैक्टिकल लाइफ की अभी हमें बात कर रहा हूं तुम तो में से कुछ लोग आगे जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करोगे या फिर यू uh, नो you know, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल्स में तो तुम हमेशा देखोगे कि कैपेसिटेंस के साथ साथ तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस होना जरूरी है क्योंकि कैपेसिटेंस जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो किसी ना किसी रेजिस्टेंस को ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा ठीक है और इसके साथ साथ ही हमारे सिलेबस में एक और चीज हमको समझनी है मान लो ये हमारे पास एक कैपेसिटर था हमने कनेक्ट कर रखा है बैटरी के साथ वी वोल्ट की बैटरी के साथ अभी मैं थोड़ी देर में रेजिस्टेंस लेके आऊंगा लेकिन एज ऑफ नाउ तुम ये इमेजिन करके देखो जो हमारी पहले वाली डायग्राम है एक कैपेसिटेंस है सी वोल्ट का इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया वी वोल्ट की बैटरी के साथ तो जो चार्ज की वैल्यू आ गई इक्वल टू सीवी दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स पॉजिटिव वाली प्लेट के ऊपर आ जाएगा चार्ज प्लस सीवी नेगेटिव वाली प्लेट के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव सीवी लेकिन ये चार्ज ऐसा नहीं है कि तुमने बटन दबाया और एकदम से वहां पे जाके चार्ज इकट्ठा हो गया चार्ज डिपॉजिट्स स्लोली ऑन द प्लेट्स जब हमने यहां से बैटरी कनेक्ट कर दी बैटरी कनेक्ट होने के बाद सडनली जब तुमने बैटरी कनेक्ट की है टी इक्वल टू जीरो मतलब तुमने जस्ट अभी बैटरी कनेक्ट की है इस समय हम इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन ऑफ द कैपेसिटेंस जब तुमने बैटरी को जस्ट कनेक्ट किया है यहां पे यहां पे स्विच लगा होगा ना जब तुमने स्विच को जस्ट कनेक्ट किया है उस टाइम पे चार्ज ऑन द प्लेट्स इज इक्वल टू जीरो उस टाइम पे चार्ज ऑन द प्लेट्स इज इक्वल टू जीरो एंड यू नो चार्ज इज इक्वल टू सी टाइम्स वी इसका मतलब जीरो इज इक्वल टू सी टाइम्स वी इसका मतलब सी तो जीरो हो नहीं सकता सी तो एक बार जो थप्पा लग गया तुम्हारे कैपेसिटेंस पर लग गया लग गया तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस इन द बिगनिंग इज 0 ये तब की बात हो रही है जब हमने कैपेसिटर को जस्ट कनेक्ट करके बटन को ऑन किया है और जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो सी ही होगी इसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन मैं तुमको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसा नहीं कि ये जो सीवी चार्ज है वो एकदम से इकट्ठा एक आके बैठ जाते पहले जीरो चार्ज होता है प्लेट्स पे फिर वन कूलम टू कूलम थ्री कूलम फोर कूलम धीरे धीरे कैपेसिटेंस में चार्ज बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है एक टाइम आता है जब कैपेसिटेंस में चार्ज हो जाता है तुम्हारा सी वी दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इन द कैपेसिटेंस ठीक है जब जब तुम एक्टिवा की सेल्फ मारते हो ना तो तुम्हें कभी कभी मैकेनिक ने बताया होगा कि एक बार अगर तुमने मार दी सेल्फ ठीक है नई स्टार्ट हुई एक्टिवा तो वो बोलते हैं कि भाई एकदम से मत मारने लग जाओ थोड़ा सा वेट कर लो पांच दस सेकंड वेट कर लो लेट इट स्टोर दी एनर्जी अगेन, दस सेकंड में वापस से वो इग्नाइट होने की पोजीशन में आ जाता है उसके बाद तुम्हें सेल्फ मारनी पड़ती है हुँ? तो तुम्हारे स्कूटर की जस्ट लाइक रेजिस्टेंस के साथ लगा हुआ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर में अगर मैक्सिमम चार्ज यहां पर सीवी आ सकता था तो जीरो सेकेंड पे इसमें चार्ज था जीरो वन सेकेंड बाद इसमें थोड़ा सा चार्ज आया दो सेकेंड बाद थोड़ा सा और चार्ज आया तीन सेकेंड बाद थोड़ा सा और चार्ज आया इनफाइनाइट टाइम के बाद इसमें चार्ज क्रिएट हो जाएगा सीवी लेकिन हमें ये सारी पोजीशंस की बात नहीं करनी हम सिर्फ दो पोजीशंस की बात करेंगे सबसे पहले तो टी इक्वल टू जीरो इसको जीरो मतलब टी इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो 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 वन सेकेंड मतलब कि बैटरी को जस्ट कनेक्ट किया जब बैटरी को अभी जस्ट कनेक्ट किया प्लेट्स के ऊपर चार्ज होगा जीरो, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स होगा जीरो वोल्ट क्योंकि चार्ज ही जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा और कैपेसिटेंस कभी भी किसी कैपेसिटर का चेंज नहीं होता वो हमेशा होगा सी लेकिन When t is equal to infinite, जब तुमने इसको कनेक्ट कर रखा है बैटरी से बढ़िया अपना कैपेसिटर पूरा चार्ज हो रहा है चार्ज हो रहा हो रहा है हो रहा है उस टाइम पे क्या होगा C तो सेम ही रहेगा हमेशा किसी भी कैपेसिटर का सी विल भीक्वल टू C. अगर तुम इनफाइनाइट टाइम के बाद देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा पोटेंशियल है V वोल्ट ये इस प्लेट को मिलना स्टार्ट हो जाएगा ये जो वी है दिस इज एट वी वोल्ट जीरो वोल्ट

दो स्टेट्स, एक तो जब हमने जस्ट इनिशिएट किया कैपेसिटर को दूसरा जब उसको चलते हुए काफी सारा टाइम हो गया कैपेसिटर को चलते हुए अभी तक हम सर्किट्स में सीधा बोल देते थे कि कैपेसिटर है, v है, पोटेंशियल ड्रॉप चार्ज उसमें होगा सीवी तो अभी तक बाय डिफॉल्ट हम जिसकी बात करते आते थे हम हमेशा इसकी बात करते थे ये वाली स्टेट की इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट या फिर स्टेबल स्टेट ये होती है स्टेडी या फिर स्टेबल स्टेट ऑफ अ कैपेसिटर ये होती है इनिशियल स्टेट ऑफ अ कैपेसिटर ये दो स्टेट्स के बारे में एक बार लिख लो तुम तो इसके नोट्स बना लो इसको याद रख लो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कैपेसिटर के साथ साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे एंड देन विल सी रेजिस्टर में कितना चार्ज फ्लो करेगा कितना उसमें करंट जाएगा कितना वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी विल बी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा ये कॉन्सेप्ट इसको यूज करके हम देखेंगे कि रजिस्टर के साथ क्या होने वाला है ठीक है तो एक बार इसको नोट कर लो कि हमारे पास ये दो स्टेट्स बनती है ओके okay? <coughs> चलो जी अब अपना मेन काम करते हैं अगर किसी ने नई नोट किया तो प्लीज टेक वन मोर मिनट इनिशियल स्टेट और स्टेडी स्टेट दो स्टेट्स बनती हैं एक तो जब तुमने जस्ट बटन को ऑन किया दूसरी स्टेट बनती है जब हमने इनफाइनाइट टाइम तक बटन को ऑन कर रखा है मतलब कि पूरा चार्ज जितना भी मैक्सिमम चार्ज डिपॉजिट हो सकता था कैपेसिटर के ऊपर वो डिपॉजिट हो चुका है अब तुम लोगों को शायद इंपॉर्टेंस फील हो रही होगी कि डायलैक्ट्रिक को इंसर्ट करने की क्योंकि तुम सोच के देखो ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू सी है अगर ये सी इंटू थ्री टाइम्स हो जाए डायलैक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद तो क्या तुम देख पा रहे हो चार्ज को स्टोर करने की क्षमता भी बढ़ जा रही है चार्ज भी अब ये थ्री टाइम्स होल्ड कर पा रहा है तो पहले जो कैपेसिटर एक बल्ब के साथ लगने वाला था अब वही कैपेसिटर तुम्हारा एसी के साथ लगेगा है ना बड़ा कैपेसिटर बन गया ना तो इसीलिए हम डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं इसीलिए हम चाहते हैं कि कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा हो क्योंकि जितनी कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा वो चार्ज को स्टोर कर पाएगा क्योंकि चार्ज को स्टोर करने का फॉर्मूला तो सीधा सीधा है ना सीवी पोटेंशियल डिफरेंस तो जितनी बैटरी हम सप्लाई कर सकते हैं उसमें हम चेंज कर नहीं सकते अगर तुम इंडिया में हो तो सरकार तुमको 240 वोल्ट का ट्रांसफार्मर से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके देगी 220 टू 240 पोटेंशियल डिफरेंस हमारे ज्यादा हाथ में नहीं है ये तुम जिस कंट्री में हो वो तुम्हारा डिसाइड होगा उससे ठीक है हम चाहते हैं कि चार्ज ज्यादा स्टोर कर ले कैपेसिटर तो चार्ज को ज्यादा स्टोर करवाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है हम सी को बढ़ाएं सी को बढ़ाने के दो तरीके हैं या तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तुम अपना खर्चा बढ़ाओ बड़ा कैपेसिटर लेके आओ उसे तुम C को बढ़ा सकते हो या फिर तुम इसमें इंसर्ट कर दो के डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का उससे तुम्हारा सी बढ़ सकता है करेक्ट अब हम अपने एक असली वाले क्वेश्चन पे आते हैं मान लो यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर है सी और इसको हमने कनेक्ट कर रखा है एक रेजिस्टेंस से आर और यहां पे नीचे हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी ठीक है एक एक काम करते हैं यहां पे एक स्विच लगा देते हैं ये एक स्विच है ठीक है सो स्मॉल इरेजर टॉट चलो जी हमारे पास एक स्विच लग गया स्विच का फायदा क्या होगा ये वही स्विच है जो हमारे घर पे स्विच लगा होता है जिससे हम पंखे को ऑन करते हैं ना वो वही स्विच होता है क्या तुमने नोटिस किया कि जैसे हमने स्विच दबाया पंखा चल जाता है स्विच को बंद किया पंखा चलना बंद हो गया बेसिकली ये वही स्विच है ये लगा हुआ ऊपर तुम्हारा पंखा जिसको मैंने आर लिखा है प्लीज नोट दिस डाउन दैट योर आर कैन बी अ फैन कैन बी अ बल्ब कैन बी ए सी दिस दैट वट एवर आर तुम्हारा कुछ भी हो सकता है आर होता है एक डिवाइस और जो सी होता है सी इज स्टार्टर इन सबको स्टार्ट करने वाला जो डिवाइस होता है उसको हम बोलते हैं कपेसिटन कपेसिटर तो अब इसकी भी हम दो स्टेट्स बनाएंगे ठीक है इसको भूल जाओ ये नहीं लिख के आना हमको पेपर में और इसकी भी हम एक दो स्टेट्स बनाएंगे दो स्टेट्स हम इसकी किस तरह से बनाएंगे कि पहले तो जब हमने स्विच को जस्ट ऑन किया है केस वन स्विच इज जस्ट टर्न ऑन मतलब स्विच को अभी अभी ऑन किया है दिस टाइम इज टी इज इक्वल टू जीरो जीरो सेकेंड से बस थोड़ा सा ज्यादा आगे टाइम चल रहा है अभी ठीक है इस टाइम पे जब हमने स्विच को ऑन किया सो so, यहां पे अभी क्या होगा हमारे पास चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसको ठीक है जब स्विच को जस्ट ऑन किया है उस टाइम पे यहां पे चार्ज कितना है प्लेट्स के अक्रॉस जीरो अगर प्लेट्स के अक्रॉस चार्ज जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के अक्रॉस भी कितना होगा जीरो तो प्लेट्स के अक्रॉस क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो ये जो सारा का सारा वी वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है ये किसके अक्रॉस होगा आर के अक्रॉस सो आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू वी और करंट विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर यू नो दिस फ्रॉम ओम्स लॉ और सी के अक्रॉस C के अक्रॉस कुछ नहीं होगा इसके अक्रॉस चार्ज अभी कुछ भी इकट्ठा नहीं हुआ पोटेंशियल ड्रॉप अभी बिल्कुल भी जेनरेट नहीं हुआ यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप बिल्कुल नहीं हो रहा ये पूरा का पूरा करंट अपने आप में से ऐसे पास होने दे रहा है कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा ये एट t इक्वल टू जीरो ओके इसको साथ साथ में लिखते जाना टी इक्वल टू जीरो पे पूरा का पूरा करंट कैपेसिटर के अंदर से फ्लो कर रहा है एक कैपेसिटर यहां पे इस तरह से बिहेव करता है कि एक खाली कॉपर की तार है सारा का सारा करंट इसमें से फ्लो कर रहा होता है फिर इसके साथ ही हम पढ़ेंगे केस पहले वाले को तुम नोट कर लेना ठीक है अगर नहीं किया तो मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूं so, पहले वाले केस में क्या होगा फॉर कैपेसिटर और फॉर रेजिस्टर कैपेसिटर के लिए क्या होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू तो सी ही होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा चार्ज ऑन प्लेट्स भी जीरो होगा इट बिहेव्स लाइक अ प्लेन कॉपर वायर प्लेन कॉपर वायर ठीक है जी इट बिहेव लाइक प्लेन कॉपर वायर और रेजिस्टर में देखें क्या होगा रेजिस्टर में हमारे पास क्या होगा इस टाइम पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, टू वी वोल्ट जितनी भी हमने बैटरी लगाई है रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है आर और करंट हमारे पास आ जाएगा वी बाय आर एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम ओम्स लॉ दिस इज केस नंबर वन जब हमने बैटरी को जस्ट ऑन किया है अब हम लिखेंगे इसके साथ ही केस नंबर टू केस नंबर टू में क्या है स्विच इज ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू इनफाइनाइट बहुत देर के लिए स्विच हमारा ऑन है तो इस केस में क्या होगा सारी वैल्यूज को हम मिटा देते हैं इस केस में क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स इज गोइंग टू बी वी और चार्ज इज गोइंग टू बी सी वी यह है स्टडी स्टेट स्टडी या फिर स्टेबल स्टेट और आर की वैल्यू तो सेम ही रहेगी आर और पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी ड्रॉप हो रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस तो रेजिस्टर के अक्रॉस कुछ भी नहीं बचा जीरो ड्रॉप होगा बिल्कुल ही खाली राइट right? और अगर पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे जीरो हो रहा है तो करंट फ्लो करेगा इसमें से जीरो ओम सॉरी जीरो एम्पेयर करंट इसमें से फ्लो करेगा जीरो एम्पेयर यह वाली कहानी होगी जब हमारे पास स्टेडी स्टेट बन चुकी है ठीक है जी ये कहानी हमारे पास बन के आएगी जब हमारी स्टेडी स्टेट बन गई है ओके तो आज की क्लास में मेरे को तुम्हें तो इतना ही कराना था कल हम क्या करेंगे इससे रिलेटेड आज का जो टॉपिक है मैं तुमको वीडियो भेज दूंगा इसको एक बार अच्छे से दोबारा बड़े आराम से देख लेना डिस्कस किया अच्छे से इसके नोट्स बना लेना तो कल की क्लास में साढ़े सात बजे जब हम मिलेंगे तो सेकंड केस में अगर मैं तुम्हें बताना भूल गया सेकंड केस में क्या होगा करंट यहां पे बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर रहा जीरो फ्लो कर रहा है तो जो तुम्हारा कैपेसिटर है वो बेसिकली एक ओपन खाली हवा का एक ये बन के रह गया ऑलरेडी इसमें चार्ज आ चुका सीवी और नेगेटिव सीवी और इसके क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है दैट इज वी वोल्ट मतलब कि सारा का सारा जो ड्रॉप हो रहा है वो कैपेसिटर के अक्रॉस हो रहा है और यहां पे जो आर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है जीरो वोल्ट का तो मतलब कि जो कैपेसिटेंस है अब अपने अंदर में से बिल्कुल भी चार्ज को फ्लो होने नहीं दे रहा यहां पे चार्ज फ्लोइंग इज जीरो 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 ठीक है सो बेसिकली इनिशियल स्टेट में क्या है इनिशियल स्टेट में कैपेसिटेंस अपने अंदर में से पूरा का पूरा करंट फ्लो करने की परमिशन दे रहा है और फाइनल स्टेट में स्टेडी स्टेट में कैपेसिटेंस अपने अंदर में से बिल्कुल भी चार्ज को फ्लो करने की परमिशन नहीं दे रहा मैं तुमको वीडियो भेज दूंगा प्लीज आज की क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लेना मैं कराने को अभी भी क्वेश्चंस करा सकता था लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार यह वाला जो कांसेप्ट है जो हमने आज पढ़ा है इसको तुम पूरा कंक्रीट कर लो अपने मन में ठीक है तो आ, जो भी हमने आज पढ़ाई की है प्लीज आधे घंटे की क्लास है ये सिर्फ थर्टी फाइव मिनट इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और कल की क्लास में हम इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम हम कुछ को ऐसे क्वेश्चन करेंगे अलग अलग हम कैपेसिटर लगा देंगे उसके साथ अलग अलग रजिस्टर लगा देंगे फिर तुमको बताना होगा t इक्वल टू जीरो सेकंड में कौन सा वाला रजिस्टर ऑन होगा t इक्वल टू इनफानाइट सेकेंड में कौन से वाले कैपेसिटेंस में कितनी एनर्जी होगी थैंक्स लाइक दिस ओके, okay? मैं तुमको ये आज नहीं कराना चाहता क्योंकि हमने अभी अभी सीखा ये कॉन्सेप्ट तो हम कल की क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे लेकिन बहुत जरूरी है कि कल की क्लास में आने से पहले आज की क्लास को तुम रिवाइज कर लेना ठीक है जी तो कल मिलते हैं हम साढ़े सात बजे सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस के साथ